हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, मैं आज बनाने जा रही हूँ भुने हुए चने और दो उबले आलूओं से सुपर टेस्टी नाश्ता। तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने एक मिक्सी जार ले लिया है। इसमें हम एक बारीक कटी हुई टमाटर डाल लेते हैं और एक बारीक कटी हुई प्याज मीडियम साइज की, और ये हो गई थोड़ी सी लहसुन, दो तीन टुकड़ा अदरक और दो हरी मिर्च, ये हो गया भुना चना 50 ग्राम, और ये हो गया धनिया पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर, और ये हो गया स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी पाउडर। और इसमें अब हम पानी डाल के थोड़ी सी पानी डाल के इसको पीस लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी सामग्री को अच्छे से पीस लिया है। अब चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, हमने एक कटोरी में इसे निकाल लिया है। पैन को हमने गैस पे चढ़ा लिया है। अब इसमें हम दो तीन टेबल स्पून ऑलिव ऑयल डालेंगे, और ये हो गया जीरा, ये हो गया सौंफ, और ये हो गई थोड़ी सी हींग। तो सभी चीज़ों को हमने अच्छे से भून लिया है। अब चलिए हम बेसन और सभी चीज़ों का पेस्ट इसमें डाल के अच्छे से 2 मिनट तक भून लेते हैं। इसको हम बिल्कुल सूखा कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे भून लिया है। इसमें अब हम थोड़ा सा पानी डाल के 2 मिनट तक और भून लेते हैं। इसका कच्चापन चला जाएगा भूनने से। फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। एक बार आप बना के ज़रूर सर्व करिएगा। और ये देखिए, हमने उबले हुए आलू को मैश करके रख लिया था, तो इसको भी हम इसी में मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करके इसको भी हम 2-3 मिनट तक अच्छे से पका लेते हैं। और ये देखिए, हमने धनिया का पत्ती ऊपर से डाल लिया है। तो अगर फ्रेंड्स गीला है आपका डो, तो आप इसमें थोड़ी सी बेसन या मैदा डाल के इसको भी अच्छे से, इस तरह से हम डो तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, हमने डो तैयार कर लिया है। अब हम पानी लगा के थोड़ा थोड़ा इस तरह से लेके पकौड़ी के आकार का बनाएंगे। आप चाहें तो इसमें तेल भी लगा के इस तरह से कर सकते हैं, हाथों में चिपकेगा नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी डो को इस तरह से बना के तैयार कर लिया है। अब चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने एक पैन ले लिया है और इसमें तेल डाल के बने हुए टिक्की को हम अच्छे से दोनों तरफ से फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एक तरफ फ्राई हो चुकी है। अब इसको हम इस तरह से पलट लेते हैं और इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। तो देखिए फ्रेंड्स, आलू बेसन टिक्की बनके हमारी रेडी हो चुकी है। अब चलिए इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए, हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसे आप चटनी या टमाटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।